मजा ही बड़ा त्रिशूल कड्डन दा दा मैं कहना त्रिशूल कड्डन दा मजा ही बड़ा कड़ता सही कोई नहीं। बीती देर रात मुकेरियां दी फ्रेंड कॉलोनी विखे जवाई ने सोरे घर गली विच हंगामा करन उपरांत सस उत्ते इनोवा गड्डी चढ़ा दिती जिसनू गंभीर जख्मी हालातां विच हुशियारपुर दे हस्पताल विच मृतक ऐलान कीता गया। सारे मामले संबंधी जानकारी मृतक दी बेटी ज्योति शर्मा ने दिती है। उसने किया है कि उसका विआह 12 साल पहला रोहित वासी हाजीपुर नाल होया सी अते दोनों पति पत्नी टीचर सन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। मेरे शादी 12 साल पहला रोहित वशिष्ट नाल हुई सीगी हाजीपुर विच। असी दोनों टीचर सीगे बड़े रह रहे सीगे अपने सहुरे परिवार दे विच। मेरी गुड़िया जदों होण वाली सी मैनू थोड़ा टाइम डिलीवरी दा सीगा मेरी सस ने घरों कढ़ता सी मेरी सस जेठ जठानी ने मैनू घरों कढ़ता सीगा। उहदे बाद मैं अपना नवां घर हाजीपुर च ही बनाया आदर्श कलोनी दे विच। असी दोनों बड़े वधिया रह रहे सीगे 8 साल मैनू उस घर 7 साल हो गए रहिंदी नू 8वां साल लग्गिया सीगा। मेरे जेठ ने जठानी ने तो सस ने ऐसा मेरे घर च कीता जेठ ने नशियां चलाया उहदे बाद कहिंदा मेरा मुंडा गोद लै ला। मैं कहा नहीं लैना मेरे घर मेरे घर वाले नू अपने कोल लै गए उहनू ऐसा भड़कांदी राती मेरे नाल कुट मार करदा सी। फिर मैं 3 परचे हाजीपुर भी बड़ी बारी 3 बारी 2-3 बारी दिते उत्थे भी होई नहीं मनदा सीगा। मैं आ गई पेके अपने मैं 1 साल तो पेके रह रही है मेरा बिल्कुल इहदे नाल लुक नहीं हैगा। फोन करदा ही गाला करदा ही मैं छड्डता सीगा इहनूं। हुण मैं कहा तू कोई गल नहीं तू कर ला जो कर। मेरी मम्मी कहिंदी सी नहीं करना कुछ पुत ग्रह दिशा हैगी है मेरी गुड़ी 8 साल दी। इहने उस कुड़ी नूं 1 फीस 1 रुपया नहीं दित्ता। मैं मंगिया भी नहीं। मैं कहा कोई गल नहीं तू भतीजे पाल ला मैं कुड़ी पाल लाँगी अपनी। 12 बजे आया साढ़े घंटी घुंटी बजाई कहिंदा अज मैं 5 बंदे मार के जाने मेरा अज मैं 5 खून माफ है मैनू। ये इन्नी जोर की गड्डी लैके आया अपनी इतने अही नहीं गेट खोलिया अपना बिल्कुल कह जो करता करी जा अही नहीं कोई भी साढ़े छोटे मेरे छोटे भरा उकसाता पिया सी बाहर आ वह कहता मैं जाना ही नहीं उन्होंने बाहर आ दिता। उधरों मेरे मेरा छोटा भरा अपना हैगा आशु वह बेचारा आ गया उधरों तो वो कितने मम्मी कहती आशु आ गया बाहर इन्हें मार देना। मम्मी ने गेट खोलिया मम्मी बाहर चल गई बाहर चल गई मम्मी। उसके बाद जिद्दे ही आशु खड़ा ही गड्डी अगे आशु पर गड्डी चलान लगा मम्मी ने आशु ने धक्का मारिया और मम्मी ने दड़ेड़ता अगे तक लै गया और उसकी गड्डी साड़ी गली च पुट्ठी पई है हजे तक और गड्डी चो डिगन तो बाद अही मम्मी नू मुंडे उठ के फिर लै गए हॉस्पिटल। वो फिर गड्डी चो निकलिया और कहिंदा कि मैं ठीक हाँ दिखा मैं करता रहा मैं होर खून करने हजे इत्थे। मैं चाहनी हाँ इस बंदे दे खिलाफ इहदी मां बीना दे खिलाफ इहदे भरा राहुल वशिष्ट जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट विच हैगा आ इहदी भरजाई रंजना वशिष्ट इहदा भतीजा रमाश वशिष्ट जिन्हों गिना खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे मैं यही चाहनी हाँ। ये सिर्फ मैनू अपनी पहुँच दसदे हर वारी मैनू कहिंदे साडी पहुँच आ गई है ये तो हुण मैनू न्याय दवाए कोई मेरी माँ नूं न्याय दवाए कोई मेरी बेटी नूं न्याय दवाए कोई। मैं मेरी बेटी की शादी रोहित वशिष्ट के साथ आज से 12 साल पहले हुई थी और काफ़ी दिनों से इनका आप जब चल रहा था पिछले 1 साल से मेरे पास ही रह रहे थे तो रात को कई बार इन्होंने मुझे धमकियाँ देनी कि मेरी बेटी को आपने ये कर रखा वो कर रखा है और मैं आपको मार दूंगा ये है वो है मैं थाने जाऊंगा फलाना करूंगा। तो उसके बाद रात फिर आ गया तो रात तकरीबन 12 बजे आया तो मैं सोता पिया ही तो मेरी मिसी जी उठी तो मैं वेख्या दरवाजा खड़कदाया तो मैं अंदर सीगा मेरी मिसी फिर अंदर गई कि तुसी बाहर ना निकलो वो आया है तो मैं तुम्हें बाहर ना जाई तो वो जो जो खड़का दरवाजा खड़कान लग पाया फिर दरवाजे को फड़ के मारन लग पाया। मैं इन्हू कहा चुप कर सारी कलोनी इकट्ठी हो जानी है चंगा नहीं लगता सवेरे आ जाई तो जो तू करना वो कर दे ते तू थाने कहता नहीं तुहानू अज मैं मार के जाना है अज मैं मैनू 5 खून माफ है 5 खून करके जाना मैं तो बाद फिर इन्हें गड्डी बैक करती असी फिर बाहर निकले मैं चल चले गए है चला गया तो इन्ने च ना फिर इन्ने साढ़े गुआढ़ी माँ तो बेटा बाहर आ गए तो असी एक
वो तो उत्थे खड़े सीगे ते अहिजा मैं इत्थे खड़ा सीगा ते मैं इत्थे खड़ा सीगा जिद्दां आया ते इहने गड्डी बैक कीती इहने च मेरा भतीजा भी आ गया पिछे उहने मोटरसाइकल पिछे खड़ा कीता ते इहने गड्डी बैक कीती अहिजे चल बैक कर ली है चले जाणा इहने ते असीं थोड़ा होर अग्गे आ गए कि जा रहे जाने दो बीमारी नूं ते बाद च इहने पहले मोटरसाइकल ते मारी चोर ते मोटरसाइकल अंदर टुटा पिया ते बाद च ना फिर इहने फिर अग्गे कीती फिर मैं देखा गड्डी आँदी अगे मैं फट गया पिछले घर वाली को नहीं हटे गया घर वाली ने एक बार मारिया इन्हें फिर गैट बैठ दूजी बार फिर मारिया तो वह जाके नाली फिर डिग पे तो बाद च फिर इतों गड्डी घुमाई है इन्हें तेज इतें बजी पहले तो बाद च वो जाके उ पलट गई तो उतों फिर दौड़ गया है फिर मेरा बेटा निकलिया बेटे ने गड्डी गड्डी की बंदोबस्त फटोफट तो होस्पिटल लै गए असी तो केस पूरा चाहते हाँ कि इन्हें सानू मारन आया सीगा मतलब पहले सानू पहले कहता कि तुहानू अज मार के जाना मैं अच्छा चल पिछे हट गया कोई गल नहीं हुण की करना आ ते चले जाएगा तो सानू की पता ये मार के जाऊगा सानू मैं भी मर जाता जब मैं अगर थोड़ा होर हो जाता मैनू भी मार के जाता है बरखिलाफ कार्रवाई पूरी की जाए ताकि अगे जे भी है उन्होंने पता लगे कि इदा के काम नहीं करने ठीक है रात ए अपना विजय कुमार जी का जवाई रोहित वशिष्ठ वासी हाजीपुर रात यह आया सीगा इत्थे इन्हां नूं धमकाउंदा सी वी अज मैं तुहानूं किसे ना किसे दे उपर कारवाई करनी हमला करना ते रात इन्हां ने फिर अपनी गड्डी इनोवा दे विच इन्हां दी पत्नी सुषमा शर्मा दे उपर दो तीन वार चढ़ाई ते जिहदी उत्थे सट्टां वज्जण करके मार देण दी जिन्हां दी चढ़ाई सी मौत हो गई है वो उपर जो बनती कार्रवाई की जाऊगी कारण कहते विजय कुमार जी की लड़की ए ज्योति शर्मा जो रोहित वशिष्ठ जी शादीशुदा बा पिछले 12 साल इन्हों की आपसी अणबन रही थी लड़की पिछले से एक साल तो इन्हों को रही थी इस करके आपसी अणबन करके कारण जोड़ा यह घटना वापरी सर पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही है पुलिस वालों कार्रवाई जो बनती कार्रवाई इन्होंने विजय कुमार जी के बयान लैके जो कतल की धारा तहत परचा दर्ज किया जाए।